कलयुग में ये जो वाणी है, ग्रंथ साहब है ना, ये मूर्तिमान मोक्ष है, मूर्तिमान प्रेम है, मूर्तिमान सदगुरु है। सदगुरु कभी अंतर ध्यान नहीं होते, वो अपनी वाणी में विराजमान रहते हैं। आचार्य वाणी है, उस वाणी में लिखा है कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। अगर गुरु प्रदत्त नाम चल रहा है और वाणी जी का आप गायन करते हो तो वहीं भगवान विराजमान है। जहाँ वाणी जी का गायन हो रहा है, जहाँ नाम कीर्तन चल रहा है, नाम जप चल रहा है, वाणी जी का कीर्तन, वहीं प्रभु विराजमान है। शास्त्रों में भी कहा गया है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ मेरे भक्त गायन करते वहाँ मैं विराजमान रहता हूँ। वाणी जी का जब गायन करो तो भाव करो कि साक्षात सद्गुरुदेव विराजमान, साक्षात भगवान है। ग्रंथ साहब वाणी जी साक्षात भगवान है। हमें देखो, जब आप लोग बोलते ना वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु, तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। इसलिए हम प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, गुरु गुरु है, सब गुरु वाणी मेरी ही है, सब मेरे ही तो ना, यहाँ तू कोई नहीं है, सब मेरे ही है, मेरे ही प्रभु है, मेरे। हम तो कभी इतना नहीं लगा, इतना ऐसा कभी भाव ही नहीं आया कि गुरुवाणी हमारी स्वामी नहीं है, आदर्श है हमारे लिए। जब गुरुवाणी का आदर होता तो हृदय फूल जाता है कि ऐसा भाव, गुरु शब्दों को, गुरु के मुखारविंद से निकली हुई वाणी को हम आराध्य देव के समान। वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वाहे गुरु का खालसा का तात्पर्य है कि जो गुरुदेव है, जो गुरु है, वो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, सारा वैभव उसी का है। और जो उनकी वाणी का आदर करता है, जो गुरुवाणी को अपने हृदय में विराजमान करता है, उसकी फतेह हो जाती है। अर्थात वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधीन नहीं रहता, वो मन बुद्धि को अधीन करके उस परम परमेश्वर में लगा देता, यही फतेह है। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। जो वाहेगुरु के वचनों को मान लिया, ये गुरु ग्रंथ साहब साक्षात गुरुदेव है, मूर्तिमान प्रभु है, अक्षर अक्षर ब्रह्म है, अब उस बात को मान करके और यदि हम चले तो निश्चित हमारी फतेह होगी। अगर हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो फिर कुछ भी करें सफलता हाथ नहीं लगेगी। शब्द लिख ले, एक साल से आपके सारी वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, तो बड़ी इच्छा थी बहुत समय से भी आपके दर्शन करूँ, बस इतनी कृपा कीजिए भी नजदीक भगवान के और ज्यादा हो जाए, कोई भी सिमरन आप जैसे भी आप कोई बताएं कि जिससे नजदीक हो जाए। देखो, हम इतना जानते हैं कि अगर गुरु वाणी पर दृढ़ निष्ठा कर लोगे तो गुरु ग्रंथ साहब इतने समर्थ है कि आपकी फतेह कर देंगे, ये पक्का समझो। हम मतलब इस बात पर बहुत श्रद्धा रखते हैं कि जो अपने गुरुदेव की वाणी पर चलता है उसे माया परास्त नहीं कर सकते। गुरु ग्रंथ साहब साक्षात गुरु स्वरूप है। खूब वाणी गायन कीजिए और चिंतन कीजिए। गुरु ग्रंथ साहब में बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं, आप उनको चिंतन कीजिए तो आपका हृदय गुरु ग्रंथ साहब के प्रभाव से जब प्रभावित होगा ना, तो फतेह ही हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया, ये गुरु वाणी के प्रभाव से भाग जाएंगे, हृदय को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। पर एक सिद्धांत, जितना तुम दूसरों को सुख दोगे उतना ही गुरु साहब प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरु साहब सबके हृदय में बैठे हुए, ये ध्यान रखना है। ये संत भगवान को माला धारण करवाए, आप देखने में लगते हैं, और अभी आपसे अनुभव लिया पता लगता है अभी आप एक अकाल पुरख के सच्चे प्रेमी हैं। कृपा कीजिएगा ऐसे ही सच्चा ज्ञान सबको देते रहे। बस आप संतों के आशीर्वाद से, आप संतों की जूठन से, ये पढ़े लिखे तो हम ही ज्यादा। अगली बार कभी आए तो भूलना ना चाहता हूँ। वैसे तो चाहे भूल जाए, अन्य रूपों में इस रूप में तो भूल ही नहीं पाएंगे, आपको देखते ही जान जाएंगे। जय जय भगवती माया की जाल से मुक्त होकर के गुरुवाणी के अनुसार कोई भी बहादुर चले वो प्रणाम योग्य है, प्रशंसनीय है। क्योंकि माया के आकर्षण से हटता चला गया गुरुवाणी से तो वही हो गया ब्रह्मविद। ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म का चिंतन करता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।
जो गुरुदेव का सतत चिंतन करता है वो गुरुदेव स्वरूप हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो इस मान लो नई अवस्थाओं में भगवत मार्ग में तो हमें बहुत सुख मिलता है कि इसी अवस्था से ये अब जैसे वृद्धावस्था हुई जीवन भर विषय भोगे, अब विषय त्याग, विषय लायक ही नहीं रहे तो त्याग क्या होगा, समझ आया ना। अब जैसे यौवन अवस्था है उस समय विषय त्याग करके भगवत अब योद्धा है, अब सही मार्ग वो पकड़ पाएगा। जीवन भर अभ्यास किया विषयों का तो बुढ़ापे में क्या भजन का अभ्यास होगा, वो तो केवल एक लीला मात्र है। वास्तविक भजन का अभ्यास इसी अवस्थाओं में होता है जहां भोगों का आकर्षण है, वही युद्ध करके उस आकर्षण पर विजय प्राप्त कर लो, वही महात्मा किसी भी मार्ग में हो। इन विकारों पर विजय प्राप्त किए बिना कोई अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त होता, कोई परमानंद की प्राप्ति नहीं करता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। सर, इस मार्ग में चल रहे थे फिर बहुत सारी कठिनाइयां आई, फिर दूर हो गए, फिर आपका मतलब वचन सुने, फिर लगा कि नहीं ये चीज हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय। किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी जाति की निंदा, किसी भी संप्रदाय की निंदा का अगर प्रश्न होगा तो उसी समय प्रश्नकर्ता को उठा के बाहर कर देंगे। हमारे यहां अपना प्रश्न करो कि तुम्हें परमार्थ में समस्या क्या है, गुरु कृपा से जो ज्ञान है वो हम आपको उत्तर दे देंगे। अमुक ऐसा कर रहे हैं, अमुक वैसा कर रहे हैं, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां कोई भी आएगा हमारा प्राण प्रीतम होगा, हमारा पूज्य होगा, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म का हो। मेरी लाडली जी का दरबार सबके लिए समान भाव से खुला है। किसी भी संप्रदाय या धर्म के विषय में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। केवल आराध्य देव से आप कैसे मिले, किसी भी संप्रदाय को प्रश्न करोगे गुरु कृपा से जो है उसका उत्तर मिल जाएगा। हमारे लिए न कोई हमारा दुश्मन है, न हमारा कोई मित्र है, सब हमारे प्रभु की लीला चल रही, सब हमारे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बस हमारे पास प्रार्थना है, प्रश्न हो तो अपने जीवन का प्रश्न हो, अपने जीवन को कैसे हम निर्विकार बनाएं इस विषय में तो चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये लिखने के समय ध्यान किया जाए और प्रश्न करने के समय भी ध्यान किया जाए। नहीं, हम समाज सुधारक नहीं है, स्वभाव सुधारक चर्चा होगी। आपका स्वभाव सुधरेगा, आपके मित्र का स्वभाव सुधरेगा, एक एक का सुधरेगा तो पूरा देश सुधर जाएगा। और हम पूरा देश सुधार सके मेरे में सामर्थ्य नहीं। हमारे जो शास्त्रों की बात है, जो अनुभव में आया है, दोनों मिलकर आपका स्वभाव सुधर जाए, आप अच्छे बन जाओ तो आपका घर अच्छा हो जाएगा, पड़ोस अच्छा हो जाएगा, नगर अच्छा हो जाएगा, फिर एक प्रांत अच्छा हो जाए, फिर पूरा देश अच्छा। ये बात हमारी है। मैं जितना आपको हम लोग सुन रहे हैं जी, मैं लगभग 6 माह से महाराज जी आपको सुन रहा हूँ जी, और मैं गुरु नानक देव महाराज को प्रत्यक्ष मान के कह रहा हूँ, इस समय आप जैसे संत महात्माओं की इस देश को बहुत आवश्यकता है। और ईश्वर से ये प्रार्थना कि अगर हम लोग के प्राण लेके भी अगर आपका महाराज जी कुछ, हम लोग किसी लायक, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, आवश्यकता है हजारों हजार आप जैसे संत, ताकि इस देश में शांति स्थिरता आ सके। क्योंकि आप, मैंने पूर्व में भी कहा, मैं वेदों का मुझे जानकारी नहीं है, शास्त्रों की जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, और पूरे विश्व में सिख समाज आपकी ओर एक आशा भरी निगाह से देख रहा है कि जो निरोल गुरबाणी में चीजें कही गई हैं वो आज एक संत महात्मा इस युग में फिर आके उन चीजों को इसमें इन सब हमारे गुरुजनों का, चाहे वो किसी भी जगह विराजमान हो, उन सबका आशीर्वाद काम कर रहा है। हमारे हृदय में वही सब बैठ के बुलवार हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं किसी को शांति प्रदान कर सकूं, किसी को ज्ञान प्रदान कर सकूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। पर जो सामर्थ्यवान है वो बैठ करके बुलवा रहे हैं, उससे शांति हो रही, वो उन महापुरुषों को प्रणाम है जिनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य, जो कृपा करके ऐसा हृदय में दे रहे हैं। महाराज जी, मैं बस कह आपकी आंखें कह रही है, आपकी जो नेत्र है ना वो बता रहे, बस धन्यवाद पात्र है आपका भी हृदय। और वाहिगुरु जी का जो गुरु ग्रंथ साहिब में पहली शब्द जो भी वाहिगुरु के प्रथाई उच्चारण हुआ ना, वो ऐसे उच्चारण हुआ, वाहिगुरु 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 वाहि जियो गुरु। आप समुद्र के सामने दिया दिखाने वाली बात, अर्थ तो मैं करूंगा नहीं, आप जानते हो महाराज, अज्ञान का नाश करके जो प्रकाश कर दे गुरु है, वाहि आश्चर्य है ना। और उसका जो स्वरूप वर्णन किया महाराज, वो ऐसा है, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोव कहत मां जसोद जिसै दही भात खाही जियो, देख रूप अप अनूप मोह महा मग भई किंकनी शब्द जनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सक, ईस बम ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो, सत्य साच श्री निवास
आदि पुरख सदा तू ही वाहिगुरु 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 वाहे जी। हमें बहुत सुख मिलता है। आप जैसे गुरुजनों के दर्शन करते तो हमें लगता है जैसे हमारे घर के बड़े जन आ जाए ना। तैसे हाँ कोई समाचार जब हम भी पूजा करते हैं जी, नन्हे जट ने जी पूजा की जी जी पूजा की और उसने पत्थर से परमेश्वर प्रकट कर ली जी जी। पत्थर में परमेश्वर को पा लिया, लेकिन परमेश्वर को पाना सिर्फ नियत ने पाना है, ना कि भगवान ने पत्थर ने आपको देना है कुछ। इसमें बात यह देखनी है कि कोई ऐसा कण नहीं जहां हमारा प्रभु ना हो, और हमारी जहां श्रद्धा लग जाती है वहीं से हमारे प्रभु प्रकट हो जाते हैं, हमारा उसमें भाव प्रदान होता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरा प्रभु ना हो, कोई घट ऐसा नहीं जहां वो रमा ना हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब वाणी जी में घट घट में वही रमा है, कण कण में वही समाया है, पर हम जहां भाव कर लेते हैं वहीं वो प्रकाशित हो जाता है, और जैसा भाव कर लेते हैं वैसा वो प्रकाशित हो जाता है। प्रहलाद जी ने खंभे में भाव किया तो नरसिंह रूप से भगवान प्रकट हो गए। हमारा भाव, अच्छा भाव कहां बनता है? गुरुवाणी पे। धन्ना जाट को जब उनके गुरुदेव ने वचन दिया, वाणी दी, बस उसी वाणी पे लग गए तो पाहन से परमात्मा का अनुभव हो गया। तो हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, जो गुरु वाणी है, उसके अनुसार हम चले तो कोई कण ऐसा नहीं रहेगा जहां परमात्मा का दर्शन ना हो।